Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School, class 8, subject Maths, chapter 1st, rational number, property number 1, page number 11, property number 2 or 3, page number 12. आज हम ध्यान से देखिए properties of addition for rational number. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज है एडिशन की वो पढ़ेंगे, उनमें से भी 1, 2, 3 प्रॉपर्टी ही आज हम पढ़ेंगे. देखो ध्यान से, सबसे पहले है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत सारी होती है, लेकिन केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना. सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं इसकी. The sum of two rational number is always a rational number. This is called closure property. यदि हम दो rational number को add करते हैं, तो जो answer आएगा हमेशा rational number आएगा. इसी चीज को हम closure property के नाम देते, इसी चीज का हम closure property नाम देते. जैसे कि a upon b एक rational number है, C upon D दूसरा रेशनल नंबर है, प्लस करेंगे दोनों को. प्लस करने से जो आंसर आएगा वह रेशनल नंबर होना चाहिए, इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे. अब जैसे कि A upon D की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर दी और C upon D को हमने -3/4 मान लिया, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं. प्लस करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर 2 और 4 है. सबसे पहले हम फैक्टर करके इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे. जैसे कि 2 और 4 इसके फैक्टर किए हमने, 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 1 का 1 और 2 1 जा, तो 2 2 जा 4 अपने कितना है एलसीएम 4, तो 4 हमने यहां लिख दिया. अब एलसीएम लाने के बाद में, एलसीएम को लिखने के बाद जो प्रोसेस किया जाता है उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहां गलती कर देते हैं. तो सबसे पहले 2 से इस एलसीएम को नीचे वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स जितने आंसर आए डिवाइड करने से उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा जाता है. नीचे वाली संख्या से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा जाता है. समझ में आ गया होगा यहां तक. प्लस का प्लस, 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 टाइम्स, 1 को ऊपर वाली संख्या -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3. दोनों को लिख दिया यहां तक, आगे समझ में. अब इन दोनों के बीच में केवल ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब अपने यहां मल्टीप्लाई माना जाता है. क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई माना जाता है प्लस इनटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो इन दोनों साइन और इस ब्रैकेट के स्थान को हम यहां माइनस लिख देंगे. अब देखो ध्यान से, इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि दो अलग-अलग साइन हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, दो समान साइन हैं तो ऐड करना है, और दो अलग-अलग साइन भी हैं यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा आंसर में बड़ी संख्या का साइन लगेगा. तो 3 में से 2 माइनस करा तो 1, लेकिन 3 माइनस की है, बड़ी संख्या 3 है, इसलिए माइनस का साइन लगाना जरूरी है. 4 का 4 उतार दिया, ये अपना आंसर है. अब ये जो आंसर आया है ये भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ट्रू है, अर्थात इसको हम एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं. यहां तक समझ में आ गया होगा आपको. सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको भी आप ध्यान से समझो तो ये भी बहुत इजी में समझ में आ जाएगी. देखिए ध्यान से, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देखिए ध्यान से, कोई भी दो रेशनल नंबर हो उनको कोई से भी ऑर्डर से यदि हम ऐड करें और यदि आंसर इक्वल
पर आते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। देखिए ध्यान से, a अपॉन b एक रेशनल नंबर है और c अपॉन b एक रेशनल नंबर है। इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ अपन ने ऑर्डर चेंज कर दिया। c अपॉन d यहाँ बाद में थे, c अपॉन d यहाँ पहले ले लिया, a अपॉन b यहाँ पहले थे और बाद में ले लिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जो आंसर यदि इक्वल आते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। ये याद रखना विशेष रूप से, ये a अपॉन b प्लस c अपॉन d और c अपॉन d प्लस a अपॉन b, इस बॉर्डर को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। अब ध्यान से देखिए एग्जांपल में, a अपॉन b को हमने वन अपॉन टू मान लिया, जो इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में माना था वही इसमें मान रहे हैं। c अपॉन d को नेगेटिव थ्री अपॉन फोर मान लिया, दोनों को एड कर दिया। दोनों को एड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं प्रोसेस चेंज कर रहा हूँ ताकि वो प्रोसेस भी समझ में आ जाए। कोई बच्चा अगर उससे नहीं समझ पा रहा तो इससे भी आप समझ सकते हो, ये वो सेम ही है। देखो सबसे पहले हम टू और फोर डिनोमीटर को देखेंगे। डिनोमीटर देखने के बाद में आपको उसमें मैंने फैक्टर करके एलसीएम निकालना बता दिया था। देखो ध्यान से, वो एलसीएम फोर आया, तो फोर आया हुए हैं तो उसमें मैंने थोड़ा सा अलग सिस्टम समझाया था। इसमें ध्यान दें, यदि एलसीएम फोर आया है तो दोनों के डिनोमिनेटर को 4 लाना जरूरी है। 4 लाने के लिए दोनों संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 अपॉन 4 आ गया, डिनोमिनेटर 4 आ गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी डिनोमिनेटर 4 आ गया, सेम डिनोमिनेटर आ गया, मतलब एलसीएम 4 तो डिनोमिनेटर भी दोनों का 4 आ चुका है। यहां देखिए, यहां से उठाएंगे वो पहले संख्या, दूसरी संख्या यहां से उठाए थे अपन ने, तो उसी संख्या का जो आंसर आया उसको 2 अपॉन 4 यहां लिख दिया, नेगेटिव 3 अपॉन 4 यहां लिख दिया। अब अपने एलसीएम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम फोर ही रहेगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली सेम संख्या आप यहां नोट करते हैं। समझ में आ गया तक की? सेम संख्या नोट करने के बाद में यहां प्लस है या माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, तो मैंने पहले वाले सवाल में बताया था, यहां भी देख लो प्लस ब्रैकेट माइनस, तो इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो प्लस इनटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो दोनों साइन के स्थान पर हमने यहां माइनस लिख दिया। अब इसमें देखना अलग अलग साइन है, इसलिए सब किया तो नेगेटिव की बड़ी संख्या, इसलिए नेगेटिव फोर अपॉन वन अपॉन फोर आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव वन अपॉन फोर अपना आ चुका। यहां तक समझ में आ गया होगा इसमें क्या आंसर आया, ये ध्यान रखेंगे हम, नेगेटिव वन अपॉन फोर। अब यहां ऑर्डर चेंज कर दिया हमने इसी संख्याओं का, और c अपॉन d की वैल्यू क्या थी यहाँ? नेगेटिव 3 अपॉन 4, तो यहाँ भी नेगेटिव 3 अपॉन 4 लिखी। a अपॉन b की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 2। केवल यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, सेम का सेम प्रोसेस है। यहाँ तक यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, 4 आ गया, 4 आने के बाद में जो संख्या में आंसर आया इसके नीचे इसके आंसर, इसके नीचे इसका आंसर उतार दिया। अब देखो ध्यान से, 3 के 3 उतार दिए, 2 के 2 उतार दिए, प्लस के प्लस लगा दिए, नेगेटिव का साइन सेम रहा। अब इसमें चाहे बीच में प्लस है लेकिन आपको यह नहीं देखना कि बीच में प्लस है, दोनों को ऐड कर दो, आपको दोनों के साइन देखने, अलग अलग साइन है, इसका मतलब हम सब करेंगे बड़ी संख्या का साइन माइनस है, इसलिए माइनस का वन आएगा। थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, इसलिए माइनस का साइन आएगा वन। तो देखो ध्यान से, दोनों के आंसर सेम आए हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ये आंसर सेम आए हैं, तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पढ़ेंगे। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कौन सी प्रॉपर्टी थर्ड? एसोसिएटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, याद रखिए एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब एड की, एड करने की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, तीसरी प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना है आपको। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, व्हाइल एडिंग थ्री और मोर रेशनल नंबर, तीन और तीन से ज्यादा रेशनल नंबर को दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, वैसे भी ऑर्डर में हम ग्रुप बना करके सोल्व करते हैं। दिस
प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव। कहने का मतलब ये तीन संख्याएं हो, तीन रैशनल नंबर या तीन से ज्यादा हो, उनको हम अलग अलग ऑर्डर में ग्रुप बनाकर के यदि सॉल्व करते हैं और यदि उन दोनों ग्रुप बना अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग ऑर्डर में सॉल्व करने के बाद भी अलग अलग ग्रुप में सॉल्व करने के बाद भी यदि आंसर इक्वल आते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इसमें तीसरा ग्रुप आपने ए अपॉन एफ भी ले ली तीसरे रेशनल नंबर, उसमें दो ही रेशनल नंबर थे, इसमें तीन रेशनल नंबर हम ले रहे हैं और तीनों पर इधर भी तीनों लिख दिया ए अपॉन बी सी अपॉन डी और ई अपॉन डी, और ए अपॉन बी की वैल्यू जो यहाँ है वही वहाँ है, सी अपॉन डी की वैल्यू जो यहाँ लिखी है वही वहाँ है, ई अपॉन एफ की वैल्यू जो यहाँ लिखी है वही वहाँ है। बस अंतर इतना है कि इसमें दोनों का हमने एक ग्रुप बना लिया और पहले वाले दो के उसमें लास्ट वाले दो रेशनल नंबर के हमने ग्रुप बना करके सॉल्व ग्रुप अलग अलग बना लिया। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, 5/6 प्लस -1/3 इसका अलग ग्रुप बना लिया था, इसको अलग ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर देखने के बाद में इन दोनों का एलसीएम निकाले, देखो उधर फैक्टर करके मैंने निकाला कि एलसीएम 6 आए हैं, आपको कुछ नहीं लाइन खींच के नीचे 6 लिख देना। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जाता है, प्लस के प्लस 3 × 2 = 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, नेगेटिव का नेगेटिव। अब क्या करना है अपन को, ध्यान से समझना, अब क्या करना है अपन को, 5 के 5 नोट कर लिए, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएंगे, प्लस इनटू माइनस इक्वल्स टू माइनस 2 के 2। अब क्या करना है अपन को, 5 और 2 को सबट्रैक्ट किया तो 3/6। यहां तक आ गया समझ में। और ये जो है इसी को हमने यहां नोट कर लिया, इसी को सेम यहां नोट कर लिया। अब इसके बाद में जब ये एक संख्या आ गई है इन सब की तो इसके पास में इसको नोट कर दिया हमने, ये ब्रैकेट पे हटा दिया, ये ब्रैकेट पे हमने हटा दिया। अब आपने वापस दो रेशनल नंबर आ चुके हैं, कितने रेशनल नंबर आ चुके हैं, दो रेशनल नंबर। अब दो रेशनल नंबर में क्या करना है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का 6 और 4 का देखो वहां एलसीएम ले रखा मैंने फैक्टर करके तो 2l एलसीएम आया। अब 2l के अंदर क्या करना है हमें, यहां 2l लिख दिया। अब इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 2l, 6 × 2l 2 टाइम्स, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 6 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 टाइम्स और 3 × 12, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 × 9, इन दोनों को अलग अलग साइन से सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की 3 आ गए 12 के 12। इसका आंसर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपन आगे चलते हैं, इसी इसको भी हम अलग ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे, ये सेम इसके साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का हम कर रहे हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हम 3 और 4 लेंगे, क्या लेंगे, 3 और 4, 3 और 4 का हमने एलसीएम निकाला होगा तो 12 आया, समझ में आ गया था। अब 12 नीचे लिख दी, अब इस 3 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, तो कितने टाइम्स है, 3 × 4 = 12, तो 4 times 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4, नेगेटिव का नेगेटिव, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, 4 × 3 = 12, 3 times 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 × 9 = 3 = 9। यहां तक आ गया होगा समझ में, नेगेटिव 4 का नेगेटिव 4 उतार लिया, प्लस माइनस माइनस और 9 के 9, दोनों के सेम साइन है तो हम इसको ऐड करेंगे लेकिन साइन वही रहेगा, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 और साइन माइनस का रहेगा। यहां तक समझ में आ गया, 12 के 12 ही चल रहे हैं और ये संख्या सारी यहां तक अपने सेम की सेम नोट करते हैं। अब यहां अपने पास वापस दो रेशनल नंबर आ गए, 12 और 6 के हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया देखो ध्यान से, उधर फैक्टर करके मैं इसे ले रखा तो 12 आया, 12 नीचे लिख दिए, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 से 12 को डिवाइड करने से 2 टाइम डिवाइड, 6 × 2 = 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,
12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बन जाएगा 30। दोनों अलग-अलग साइन है इसलिए सत्य करा तो यहां 3 आएंगे, 13 में से 10 माइनस कर देते, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए ये माइनस आएगा 12 का 12। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है, इसका आंसर ग्रुप चेंज करने के बाद और इसका आंसर ग्रुप चेंज करने के बाद भी सेम आए, यदि इनका आंसर अगर सेम आता है तो इसलिए हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ट्रू है, मतलब सत्य है कि इस प्रॉपर्टी से हम ग्रुप चेंज करके भी सॉल्व करने पर आंसर सेम आएंगे। समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी, समझ में आ गया ना, दोनों के आंसर हमें किसी भी कंडीशन में सेम नजर आने चाहिए सॉल्यूशन, यदि सेम नजर नहीं आता है तो ये आप जो सॉल्व कर रहे हैं गलत है इसका मतलब, क्योंकि अपने पास जब ये प्रॉपर्टी दी हुई है तो प्रॉपर्टी सत्य है, प्रूव आपने क्लियर कर लिया। अब मान लिया जाए आपके क्लास में एक्सरसाइज में ऐसा एग्जाम ऐसा सवाल आ जाए और कहा जाए कि इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, अगर उससे ही अपन इस प्रॉपर्टी से ये साबित हो जाएगा दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो कहेंगे आपने मिस्टेक कर दी, नहीं तो आंसर तो प्रॉपर्टी में सेम आते हैं, ये चीज अपन यहाँ प्रूव कर चुके हैं। समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी नाइस।